मेरे 97% टाइल है, और मैंने जिस हिसाब से अपना हार्ड वर्क किया था और अपनी मेहनत की थी, उस हिसाब से मुझे बराबर फल मिला है मेरे ख्याल से। काफ़ी खुशी है, मैं आगे 11th में कॉमर्स लेके MBA करूँगी, और इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को दे 99.86% है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता था मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं डिजर्व करता हूँ ये इतने मेरे परसेंटेज। गुजरात बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, 82.56% इस साल रिजल्ट जारी हुआ है। अगर पिछले साल से इस बार के रिजल्ट को कंपेयर किया जाए तो 17% से भी अधिक रिजल्ट इस बार जारी हुआ है। 10वीं बोर्ड के जो टॉपर्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे। क्या रिजल्ट आपका है, कितने खुश हैं आप अपने रिजल्ट से? बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से, 96% आया है मुझे। मेरे मम्मी पापा का सपना मैंने पूरा किया है, बहुत इच्छा थी उनकी, ये बहुत मेहनत की थी इसके लिए, 3-4 घंटे डेली स्टडी सेल्फ स्टडी किया था, और स्कूल के टीचर्स की मेहनत की ये सफलता है। आगे क्या करना चाहते हैं? वैसे 10वीं तो अब आपने पार कर लिया है, 11th 12th करके, फिर आगे क्या करने का आपने सोच के रखा है? आगे साइंस करने का सोचा, इंजीनियरिंग करना है मुझे आगे। आपको आपको क्या रिजल्ट हासिल हुआ, कितने खुश हैं आप? मेरे 97% टाइल है, और मैंने जिस हिसाब से अपना हार्ड वर्क किया था और अपनी मेहनत की थी, उस हिसाब से मुझे बराबर फल मिला है मेरे ख्याल से। आगे क्या करना है? और इस बार का जो रिजल्ट है वो पिछले सालों के मुकाबले देखते हैं तो 17% रिजल्ट बढ़ गया है। पेपर आसान था या बच्चे बाजी मार गए? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही मतों का बराबर भार था, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा भी लगता है कि बच्चों ने इस बार मेहनत भी बहुत करी थी और पेपर भी थोड़े ईजी थे। आपका क्या विचार है, क्या रिजल्ट आपका आया है, कितने खुश हैं आप? मेरे रिजल्ट है 95% और 99.3% टाइल है। मैं इस रिजल्ट से वैसे तो खुश हूँ, लेकिन थोड़ा कम आया है, जितना वर्क किया था उससे थोड़ा कम आया है। क्या करना है अब आगे? बी ग्रुप करना है, मेडिकल। आप कितने खुश हैं आपके रिजल्ट से, क्योंकि हम जिनसे भी बात कर रहे हैं सबके 95% के करीब रिजल्ट है। मेरे भी 96.67 है, 19 SS में मेरे 100/100 आया है, 99.86% है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता था मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं डिजर्व करता हूँ ये इतने मेरे परसेंटेज। किसका किसको श्रेय देंगे शानदार रिजल्ट? मेरे माता पिता को और मेरे ट्यूशन के जो क्लासेस सर मैम थे, केतन सर, उनको मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। अच्छा, क्या करना है आगे, क्योंकि 99% से भी अधिक परसेंटाइल है आपके पास? आगे जाके साइंस इंजीनियरिंग करना है। कितने खुश हैं आप, चेहरे पे तो खुशी दिखाई दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ, 94% है, मैथ्स में फुल मार्क्स आए, 100/100। कितनी मेहनत आपने लगातार की, क्योंकि मैथ्स तो बहुत लोगों के लिए एक पसंद का विषय रहता है? 8 to 10 hours पर डे करनी पड़ती है मेहनत, तो उतना होता ही। कितने खुश हैं आप, क्या रिजल्ट आपका आया है? 91% आया है। कितने खुश हैं आप, क्या करना चाहती हैं आगे, किसको श्रेय देंगी? काफ़ी खुशी है, मैं आगे 11th में कॉमर्स लेके MBA करूँगी, और इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को देती हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करवाई पूरे साल। कितना रिजल्ट आपका, क्योंकि इस बार तो बीते सालों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा रिजल्ट आया है, बहुत ही हाई रिजल्ट है। मेरा 98.99% आई है। सर, अगर बात करें तो इस बार जिस प्रकार से रिजल्ट देखा जा रहा है पिछले सालों के मुकाबले 17% से भी ज्यादा रिजल्ट है, क्या लगता है पेपर आसान था, या जिस प्रकार से ड्रॉपिंग रेशियो लगातार पिछले सालों से बढ़ता जा रहा है तो सरकार को ये भी एक प्रेशर कहीं रहा, या तो बच्चों में ही एक गजब का ही इम्प्रूवमेंट आ गया है? दो तीन वजह है। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि बहुत अच्छी मेहनत की है, और दूसरा के जो पेपर स्कीम थी, पेपर स्टाइल थी, उसमें थोड़ा चेंज आया है। इस साल क्या हुआ कि 30% जो MCQ टाइप जो क्वेश्चन आए, इसके लिए सबका बहुत अच्छा परसेंटेज आया है और हमारे सबके लिए बहुत गौरव की बात है। आपका क्या रिजल्ट आया, कितना खुश हैं आप? 93.3% है, मैं बहुत खुश हूँ। क्या करना है आपको, माता पिता का कितना सहयोग रहा? मेरे माता पिता का बहुत सारा सहयोग रहा था, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, और मेरे टीचर्स का भी बहुत इसमें रोल था। आप कितना खुश हैं, क्योंकि जिन किसी से बात कर रहे हैं सबके 90-95% है, आपको क्या रिजल्ट हासिल हुआ? मेरा 94% आया है, मेरा नाम दिया पटेल है, और मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। क्या करना चाहती हैं आगे, क्योंकि हर कोई साइंस की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है? मैंने इंजीनियरिंग लाइन ली है और मैं उसी में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो गुजरात बोर्ड के रिजल्ट की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले इस साल 17
प्रतिशत अधिक यानी कि 82.56% रिजल्ट जो है वो जारी हुआ है। हर किसी बच्चे जिससे हम बात कर रहे हैं हर कोई खुश दिख रहा है। साथ ही में आने वाले दिनों में साइंस स्ट्रीम को लेकर आगे बढ़ने की उम्मीद हर कोई बच्चा जता रहा है। पर इस बार गुजरात बोर्ड के रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार रिजल्ट भी जल्दी जारी किया गया है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।